राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने देश के मुस्लिमों को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि भारत में मुसलमानों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसके साथ ही भागवत ने मुसलमानों को एक नसीहत भी दे डाली। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को अपने वर्चस्व वाले बयान छोड़ देने चाहिए। एक बार हमने शासन किया, फिर से शासन करेंगे, इस भावना से उन्हें बाहर आना होगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का बयान एक अच्छा बयान है, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक उम्मीद की किरण दिखाई है और जो वर्चस्व की बात कही है उसमें हिंदुस्तान का कोई भी मुसलमान अपने पुराने वर्चस्व उससे कोई भी ताल्लुक का इजहार नहीं करना चाहता। हमारे लिए बाबर, औरंगजेब, अकबर, जहांगीर या वो लोग जिन्होंने मुगलों ने हिंदुस्तान पर राज किया, हमारा उनसे कोई भी ताल्लुक नहीं। हमारा ताल्लुक है उन लोगों से जिन्होंने इस मुल्क को बनाया है। हमारा ताल्लुक है उन लोगों से जिन लोगों ने इस मुल्क में कुर्बानी दी है। हमारा ताल्लुक है उन लोगों ने जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी गर्दनें कटाई हैं। लिहाजा जो अतीत की बात कर रहे हैं कि अपने पुराने अतीत की तरफ नहीं लौटना चाहिए और मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है, तो जो लोग अगर से अकबर या औरंगजेब या बाबर को अपना आदर्श मान रहे हैं और वो उनकी मदोसना कर रहे हैं, तो उनको कम से कम उनके पास अपने गुप्तचर विभाग ये देखना चाहिए कि ये हमारे यहाँ कौन लोग ऐसे हैं जो कर रहे हैं। मेरे ख्याल से तो कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं है जो औरंगजेब को अपना आदर्श माने, जो बाबर को अपना आदर्श माने, बल्कि हमारे यहाँ आदर्श माना जाता है रसूल इस्लाम को आदर्श माना जाता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जिन्होंने करबला में सबसे बड़ी कुर्बानी दी थी उनको हम अपना आदर्श मानते हैं और उसके पंचिनों पर चलते हुए हम कोशिश करते हैं कि जिन्होंने हिंदुस्तान आने की तमन्ना की थी और जब 100 साल मुसलमानों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रास्ता रोका तो उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारी सरहदों से दूर हिंदुस्तान जाना चाहता हूँ जहाँ मुसलमान तो नहीं मगर इंसान रहते हैं। मोहन भागवत के इस बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी ने मोहन भागवत के बयान पर पलटवार किया है। ओवैसी ने पूछा कि मुसलमानों को भारत में रहने या हमारे धर्म का पालन करने की अनुमति देने वाले मोहन भागवत कौन होते हैं? इतना ही नहीं, ओवैसी ने कहा कि अल्लाह ने चाहा इसलिए हम भारतीय हैं। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने भी मोहन भागवत के इस बयान पर उन्हें घेरने की कोशिश की है। मैं भागवत जी के इस बयान का स्वागत करता हूँ। हम भी ये कहते हैं, ये देश में 20 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी मुसलमानों की है और भी धर्मों के लोग रहते हैं। अगर चुनाव जीतने के लिए, राजनीति करने के लिए आप बार बार हिंदू मुसलमान करते रहोगे, यही फसाद, यही झगड़े करते रहेंगे, तो देश फिर एक बार टूट जाएगा, फिर एक बार विभाजन की स्थिति पैदा होगी। लोगों के मन में डर पैदा करके आप ज़्यादा दिन राजनीति नहीं कर सकते। अगर ये हमारे मार्गदर्शक नेता मोहन भागवत जी ने बात सामने रखी है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी उसके ऊपर गौर करना चाहिए। वो डायरेक्टली इंसाइट कर रहे हैं कि वायलेंस करो मुसलमानों के खिलाफ। आप आखिर इतना डरते क्यों हैं मुसलमानों से? आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो आप रूलर हैं और हम रूल्ड हैं। कोई नागपुर में जो बैठा हुआ है, जो एलएच सेलिब्रेट है, हमको उनसे सीखने की जरूरत नहीं है। इस बात को आपको समझना है कि भारत के मुसलमान सुप्रीमेसी की बात नहीं करते, भारत के मुसलमान इक्वल सिटीजनशिप की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं। मगर आरएसएस जो आर्यन सुप्रीमेसी और एक ये तो एक उनका जो स्टेटमेंट है, कास्टिस्ट, एक अपर कास्ट के आदमी का स्टेटमेंट है कि वो तो रूलर और रूल्ड की बात कर रहे हैं। कोई सुपीरियर होने का कहां क्लेम कर रहे हैं? हम तो बोल रहे हैं कि इक्वालिटी दो हमारे को, हमारी इक्वल राइट्स को, इक्वालिटी को आप सुप्रीमेसी समझ रहे हैं। असल सुप्रीमेसी तो आपकी है, आप समझ रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र है और अगर आप यहां पर रह रहे हैं
ये तो गोलवारकर ने जो अपने बंच ऑफ थॉट्स किताब में और एक और अपनी किताब में वी आर नेशन ऑफ डिफाइंड में गोलवारकर ने कहा कि मुस्लिम्स क्रिश्चियंस आर द इंटरनल थ्रेट, वो तो उसी को रिटरेट कर रहे हैं। हम तो ये शुरू से कह रहे हैं इस बात को, ये आप हम इक्वालिटी की बात करें तो आप सुप्रीमेसी के बारे, आप सुप्रीमेसी की दिखा रहे हैं अपनी, आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप रूलर हैं और हम रूल्ड हैं। हम ये कह रहे हैं कि नहीं, हम इक्वल सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं, इक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं। अब उनके लिए डाइवर्सिटी एंटी नेशनल है, उनके लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस परेशान कुन है, वो तो सिर्फ एक एक लैंग्वेज, एक झंडा, एक कल्चर की बात करते हैं। हम तो बोल रहे हैं कि भारत में डाइवर्सिटी है, भारत में हजारों कल्चर हैं, कई जबानें बोली जाती हैं, कई मजहब को मानने वाले हैं, वो उसको मानते नहीं उस चीज को, वो सिर्फ अपनी सुपीरियरिटी को बिलीव करते हैं, इसीलिए तो सब चीजों को मानते नहीं है वो। और आखिरी बात यह है, जब वो वॉर की बात कर रहे हैं, वो डायरेक्टली इंसाइट कर रहे हैं लोगों को, वो डायरेक्टली इंसाइट कर रहे हैं कि वायलेंस करो मुसलमानों के खिलाफ। ये सबसे खतरनाक बात उनके इस इंटरव्यू में है। मैं भी तो उस इंटरव्यू को देखा हूं, पढ़ा हूं, उसमें कौन सी बात है मिलकर रहने की, बताइए। आप तो कह रहे हैं कि आपको अगर रहना है भारत में, पहले तो होते कौन है मुसलमानों को परमिशन देने के लिए कि मैं कैसा अपना फेथ को फॉलो करूंगा नहीं करूंगा, कैसे आप कंडीशन लगाते मेरे सिटीजनशिप के ऊपर? मोहन भगवत, हम यहां पर अपना फेथ एडजस्ट करने के लिए नहीं है। कोई नागपुर में जो बैठा हुआ है, जो जो एलएच सेलिब्रेट है, हमको उनसे सीखने की जरूरत नहीं है। आप होते कौन है हमको बताने वाले? आपको उस शब्द से आपको तकलीफ हुई तो चाइना का नाम क्यों नहीं लेते आप? अब देपसांग और डेमचॉक इतना स्ट्रेटेजिक हमारे लिए है कि अगर हम वहां से चीनी फौज को नहीं हटाएंगे तो हो सकता है कि फ्यूचर में सियाचिन हमारे लिए एक परेशानी का मसला बन जाए। भारत पूरी दृढ़ता से देश की एक एक इंच जमीन की, देश के स्वाभिमान की रक्षा करेगा। जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, एक इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। सैटेलाइट इमेजरीज ये बता रहे हैं कि वहां पर भारत की जमीन में डेपसांग और डेमचॉक में खास तौर से चीन की फौज बैठी हुई है। ओआरएफ के मनोज जोशी साहब की एक नई किताब है, उन्होंने तो कहा है 2000 किलोमीटर, उन्होंने कहा है, मैंने कहा है। और दूसरी तीसरी बात यह है कि भारत के वजीर आजम प्रधानमंत्री ने देश को कहा था कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसा है, फिर 15 राउंड बातचीत किस लिए हुई पीएलए के साथ? और साथ ही साथ आप देखेंगे कि जहां पर हम पेट्रोलिंग करते थे हमने बफर जोन बना दिया, हम पेट्रोलिंग का नहीं कर पा रहे हैं। अब डेपसांग और डेमचॉक इतना स्ट्रेटेजिक हमारे लिए है कि अगर हम वहां से चीनी फौज को नहीं हटाएंगे तो हो सकता है कि फ्यूचर में सियाचिन हमारे लिए एक परेशानी का मसला बन जाए। जयशंकर साहब को ये बताना चाहिए कि वो एक लफ्ज़ पे क्यों पढ़ रहे हैं। डेपसांग डेमचॉक में कौन बैठा है वो तो बता दीजिए आप, फॉरगेट अबाउट दैट पर्टिकुलर वर्ड। वाई इज योर गवर्नमेंट, उन्होंने कई बातें कही थी,
ये हम ऐसा कर भाई, देपसांग डेमचाक में चीन बैठा हुआ है, आप उसको तो निकालिए ना, आप फौज को बोलिए हमारी फौज ताकतवर है, फौज निकाल देगी उन लोगों को। बोलते ही नहीं है कुछ, चीन का नाम ही नहीं लेते, वो हमको उसकी भी फिक्र है भाई। आपको उस शब्द से आपको तकलीफ हुई तो चाइना का नाम क्यों नहीं लेते आप? चाहे स्थिति कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, भारत पूरी दृढ़ता से देश की एक एक इंच जमीन की, देश के स्वाभिमान की रक्षा करेगा। भारत सांस्कृतिक रूप से एक शांति प्रिय देश है। हमारा इतिहास शांति का रहा है। भारत का वैचारिक मंत्र ही रहा है, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। हमने हर युग में, पूरे संसार में शांति की, पूरी मानवता के कल्याण की कामना की है। हमने हमेशा से ही अपने पड़ोसियों के साथ एक कोऑपरेटिव और फ्रेंडली तरीके से मिलकर काम किया है, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। जब भी समय आया है, हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, अपनी क्षमताओं को साबित किया है। मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है, और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, एक इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया है।